और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। आखिरकार जिस फिल्म का इंतजार दर्शक काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वो आखिरकार आज बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की रेस 3 के बारे में। आपको बता दें कि रेस 3 पूरे भारत में करीब 5000 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया गया, जिसे रिलीज होते ही सभी सिनेमा घरों में जबरदस्त ओपनिंग मिली है। आपको बता दें कि सलमान खान सिकंदर के अवतार में दर्शकों को काफी ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं और उनके एक्शन सीन को दर्शकों को काफी ज्यादा रोमांचित लगता है। अगर हम फिल्म में अनिल कपूर की बात तो फिल्म में अनिल कपूर के अभिनय को सभी लोग बेहद ज्यादा पसंद कर रहे हैं। सबसे ज्यादा हैरत अंगेज करने वाली बात यह है कि काफी दिनों के बाद बॉलीवुड से दूर रहने वाले बॉबी देओल इस फिल्म में एंट्री लिया है और बॉबी देओल के एक्शन पैक के साथ साथ उनका दमदार डायलॉग दर्शकों को काफी ज्यादा रोमांचित करता है। फिल्म के गाने की बात करें तो फिल्म के गाने एक से एक बढ़कर है, जो दर्शकों को पहले ने ही सुपर डुपर हिट डिक्लेयर कर दिया है। अगर अब हम जैकलिन फर्नांडिस और दिशा शाह की बात करें तो उन दोनों अभिनेत्रियों का जोरदार काम दर्शकों को काफी ज्यादा प्रभावित करता है। अगर हम एक शब्दों में कहें तो रेस 3 ने एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर यह साबित कर दिया है कि वाकई में ही सलमान खान ही रेस 3 के असली सिकंदर हैं। मीडिया से यह भी खबर आ रही है कि रेस 3 को पहला दिन करीब 45 से 50 करोड़ का बिजनेस कर सकती है। अगर आप लोगों ने अभी तक रेस 3 नहीं देखा है तो जाकर अपने नजदीकी थिएटर में जरूर देखें, क्योंकि सलमान खान का रेस 3 वाकई में ही देखने लायक है।